लोकसभा चुनाव 2024 में तीन चरण का मतदान हो चुका है। सोमवार को चौथे चरण का मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चरम पर है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बिहार बंगाल को पिछड़ा बना दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आपके उत्साही चेहरे मुझे बता रहे हैं कि भाजपा को 2019 से भी अधिक जनादेश मिलने वाला है। बंगाल कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने आगे कहा कि देश की आजादी के बाद 50 वर्ष तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी और पलायन मिला। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। वही 2014 में अपने मोदी सरकार को मौका दिया गया, जहां मोदी ने ठाना है कि वो देश के पूर्वी हिस्से को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाएगा। यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। ये तस्वीर दिखा रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग ही माहौल है, कुछ अलग ही होने जा रहा है। 2019 की सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता इस बार भाजपा को मिलने जा रही है। पूरा देश जो कह रहा है, बंगाल उसको जोरों से कह रहा है और पूरा बंगाल कह रहा है आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल मोदी के मिशन पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आप जानते हैं, आजादी के 50 साल तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली, सिर्फ पलायन मिला।